हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन सिहाग फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉट इन। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 पार्ट 3 के अंदर आता है। पार्ट 3 में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, इसमें फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है जो कि सिटीजन्स और पर्सन्स को दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 जो है वो एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, मतलब जो भारत के नागरिक हैं उन्हें ही ये राइट मिला है। तो जो भारत का नागरिक नहीं है वो आर्टिकल 19 को एंजॉय नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 के अंदर हमें कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं, जो पार्ट 3 में राइट टू फ्रीडम है, जो 19 आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंदर आता है। तो उसमें आर्टिकल 19 के अंदर कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं जो कि एक सिटीजन इंजॉय करता है। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 19 के अंदर ऐसी कौन सी फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो है उसके अंदर हमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। उसमें से पहली फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप अपने आप को कहीं पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसकी आपको आजादी है, लेकिन विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जो कि इसी आर्टिकल में क्लॉज 2 में बताई गई। जो हमें राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, 19 क्लॉज 1 के अंदर जो हमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो ये फ्रीडम्स हैं इनको एंजॉय करते हुए आप किसी भी हद तक नहीं जा सकते, मतलब स्टेट के पास ये पावर है कि वो इन फ्रीडम्स को रेगुलेट कर सकती है, इन्हें कर्टेल कर सकती है विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आपको फ्रीडम्स दी गई हैं 6, और आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक आपको इसमें स्टेट को पावर दी गई है कि वो किस बेसिस पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ये फ्रीडम एंजॉय करने से। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए जो मैंने आपको अभी बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आपको अपने स्पीच और एक्सप्रेशन की आजादी देता है, आपको इसी के अंदर आपको राइट टू रिमेन साइलेंट भी आता है, मतलब आपके पास एक्सप्रेशन का तो राइट है ही, लेकिन आप साइलेंट रहें ये राइट भी आपके पास है। और राइट टू रिमेन साइलेंट के साथ साथ आपको जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए में दिया गया है वो एक राइट है, राइट ऑफ प्रेस, मतलब कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये हमारा आर्टिकल 19 1 ए। तो इसमें जो गवर्नमेंट के पास जो पावर्स है रेस्ट्रिक्ट करने की, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगा सकती है वो है, अगर आप अपना आर्टिकल 19 1 ए इंजॉय करते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इंजॉय करते हुए, अगर आप कुछ कंडीशंस हैं अगर उनको वायलेट करते हैं तो आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप हमारे फ्रेंडली रिलेशन खराब करते हैं हमारे देश के किसी दूसरे नेशन के साथ में, तो आपके ऊपर आपके इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है। और जैसे कि अगर आप इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट देते हैं जो कि डेफेमेटरी है नेचर में, जो मानहानि कॉज करती है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो वैसी स्टेटमेंट भी आप नहीं दे सकते, या कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं जो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, तो इस प्रकार का भी एक्सप्रेशन आप यूज नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर को अगर ठेस पहुंचाती है आपकी कोई स्पीच तो वो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो भी ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। तो इन ग्राउंड्स पे कुछ ग्राउंड्स हैं, इस पे आपको स्टेट के पास पावर है कि आपके इस राइट को कर्टेल कर सकती है। 19 क्लॉज 1 बी हमें राइट देता है टू असेंबल पीसफुली, आप पीसफुली कहीं पे भी असेंबल एकत्रित हो सकते हैं, एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आपके पास किसी प्रकार की आर्म्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि 19 क्लॉज 3 में दी गई है। आपको सोवरनिटी और इंटीग्रिटी को ठेस नहीं पहुंचानी है, एकता और अखंडता के साथ में आपको खिलवाड़ नहीं करना है देश की, और ना ही आपको पब्लिक ऑर्डर को ठेस पहुंचानी है, मतलब पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते।
ये था हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बी। सी क्या कहता है, ये बताता है कि आप जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो एक एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि कंपनी हुई या पार्टनरशिप हुई, तो आप इस प्रकार के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, लेकिन आपको सोवर्निटी, इंटेग्रिटी और जो पब्लिक ऑर्डर है उसको किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचानी है। तो ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके एसोसिएशन और यूनियन बनाने के ऊपर। उसके बाद में डी और ई जो है 19 क्लॉज 1 के, डी और ई हमें बताते हैं टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी जा सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है, और आप कहीं पे रिसाइड भी कर सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं किसी भी टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, ये डी और ई हमको फ्रीडम देते हैं। लेकिन इनके साथ हमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो ये हैं, आपको जो जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को ठेस नहीं पहुंचानी है, और ना ही जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे कुछ एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं वहां पे भी आप नहीं जा सकते हैं, जा तो सकते हैं लेकिन आपके उनके इंटरेस्ट को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं आप। तो ये है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डी और ई पे। उसके बाद आर्टिकल 19(1) क्लॉज है उसके एफ जो है, जो सिक्स्थ फ्रीडम है, वो आपको बताती है टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एंड टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, जो कि आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की बात जो करता है। तो आप किसी भी प्रकार के ट्रेड में जो कि लीगल है उस ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन कर सकते हैं विद सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जिसकी पावर स्टेट के पास में है। तो स्टेट के पास में क्या पावर है, स्टेट के पास ये पावर है कि आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो चेक कर सकती है, तभी आपको मतलब स्टेट के पास पावर है, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है आपकी फ्रीडम आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। और उसके बाद में एक और जो इसमें रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि स्टेट अगर कोई ऐसा बिजनेस में इंडल्ज है, जैसे कि जो मोनोपोलिस्टिक है, मतलब जिसमें सिर्फ स्टेट के पास ही पावर है कि वो उस बिजनेस को प्रोफेस कर सकती है, तो वो चाहे तो इंडियन सिटीजन्स को उसमें से एक्सक्लूड भी कर सकती है। तो ये थी हमारी रेस्ट्रिक्शंस 19 क्लॉज 1 के, हमारे जो सिक्स फ्रीडम है उसके ऊपर। तो ये है हमारी 6 फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दी गई है, और उसी के साथ में मैंने आपको इसकी जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, जो पावर स्टेट के पास में है कि इन फ्रीडम्स को किस प्रकार से वो कर्टेल कर सकती है, तो वो भी मैंने आपको बता दी, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 तक डिफाइंड है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19।